मंगलवार की तरह बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश के आसार बिल्कुल नहीं है। धूप भी कभी निकलेगी तो कभी बादल की वजह से नदारद रहेगी। इसके बाद गुरुवार से फिर आसमान साफ रहेगा, तापमान में मामूली गिरावट आएगी। सोमवार रात को न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री होकर सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री होकर सामान्य आंका गया। शनिवार रात को पारा 14 डिग्री तक जाने के बाद फिर 1 डिग्री ज्यादा हो गया। हालांकि महीना खत्म होने तक फिर कम हो जाएगा। अधिकतम तापमान भी 27 से 28 डिग्री के बीच ही रहेगा। दिसंबर शुरू होने पर रात के तापमान में गिरावट आना शुरू होगी। 35 दिन बाद न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर आया था। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे, परंतु बारिश के कोई आसार नहीं है। वहीं अगले 1-2 दिन में ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं जल्द ही ठंड भी अपना असर दिखाना शुरू करेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका असर जल्द ही इंदौर में देखने को मिलेगा। करवट ली है बाहर, सुबह से कल रात से बादल छाए हुए, किस तरह का मौसम रहने वाला है और ठंड कैसी रहेगी सर? देखिए, अभी एक जो WTO जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक उसका एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, उसकी वजह से हमारे यहाँ थोड़ा सा कल भी क्लाउडी वेदर था, आज भी क्लाउडी वेदर है, और इसके बाद इसके खुलने की संभावनाएं बन रही हैं कि ये थोड़ा सा वीक पड़ेगा और उसके कारण से मौसम खुलने लगेगा। इन 2 दिनों तक हमें क्लाउडी वेदर रहने की संभावनाएँ व्यक्त की जा रही थी, और हमने देखा कि आज भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, परंतु हो सकता है आज के बाद ये छटने लग जाए, और जो क्लाउडी वेदर होने के कारण से हमें तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, और जो तापमान है वो लगभग 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम लगभग 28-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में यदि मौसम खुलता है तो निश्चित रूप से तापमान में गिरावट देखी जाएगी और ठंड में थोड़ी सी वृद्धि होगी। बारिश के आसार बहुत कम है हमारे यहाँ, नहीं के बराबर हैं, और ये मेरे को लगता है आजकल में ये क्लियर हो जाएगा, आज शाम तक भी क्लियर हो सकता है और आज कल तक तो क्लियर होने के बहुत चांसेस हैं। जो क्लाउडी वेदर है ये क्लियर हो जाएगा, तो बारिश के चांसेस कम नजर आते हैं।